हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रीजी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 12-9 की चैप्टर नंबर 12 हेरोंस फॉर्मूला के थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है विथ साइड ए। दैट मीन्स कि हर एक साइड का मेजरमेंट क्या रहेगा, ए, दैट इज द फिक्स्ड आंसर। ओके, सो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो सकती है और दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, उसका एरिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर पैरीमीटर चाहिए तो हमें पैरीमीटर का मैंने मतलब इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हर एक बॉर्डर को कवर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों बॉर्डर को कवर करेंगे तो a प्लस ए दैट इज 3a, दैट मीन्स द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 3a। अब हमारे पास फॉर्मूला थी s इजिक्वल्स टू पैरीमीटर डिवाइड बाय 2। s इज सेमी पैरीमीटर तो 3a डिवाइड बाय 2। Now the area of the triangle, that is the formula is under root of s, s minus a, s minus b, s minus c। अगर हम हर एक के बदले a, b और c तीनों को रिप्लेस करेंगे a से तो हमें मिल जाएगा s minus a, s minus a, s minus a। अगर कोई भी टर्म तीन बार रिपीट हो रहा है उसमें से आप देख सकते हो कि ये दो बार रिपीट हुआ, दैट मीन स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट होकर एक बार आ गया बाहर, दैट इज s minus a और स्क्वायर रूट में रह गया s इंटू s minus a। अब s की वैल्यू तो क्या है, 3a बाई 2 माइनस a, और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे कि स्क्वायर रूट में s के रिप्लेस कर दिया 3a बाई 2। अब अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3a, और यहाँ पे अगर हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a, ये होगा 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, दैट इज़ a बाई 2। ओके, सो a बाई 2 इंटू 3a बाई 2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप लोग कि हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर रूट है जिसके अंदर 3a बाई 2 है इंटू क्या है हमारे पास a बाई 2, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, दैट इज द स्क्वायर रूट से वो बाहर निकल जाएगा, और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा वो भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू रूट 3, दैट इज़ स्क्वायर बाई 4 रूट 3। आप लोग अगर नोट्स में देखोगे तो मैंने उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने की डायरेक्ट फार्मूला लिखी हुई है, दैट इज़ रूट 3/4 ए स्क्वायर। आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपको कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिल सकता है, इसको आपको अलग से कोई भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता हुआ है कि पैरीमीटर 180 है, पैरीमीटर 180 है दैट मीन्स 180/3 दैट इज 60 सेंटीमीटर हुआ हर एक साइड का मेजरमेंट। पैरीमीटर 180 है दैट इज तीनों साइड का a प्लस ए शुड बी 180, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 60। अब अगर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो 60 का स्क्वायर बाय 4 इंटू रूट 3 दैट इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये जो साइड वॉल्स है ना, ये वाला ट्राइंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसका एडवर्टाइजमेंट आपने ब्रिज के आजू बाजू देखी होगी, ये कुछ नई बात नहीं है आजकल। तो द साइड ऑफ द वॉल आर 120 मीटर, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कितने टाइम के लिए लिया, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, उसके लिए कितना रेंट पे करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको मीटर स्क्वायर में उन लोगों ने दिया हुआ है रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे हमारा एरिया कितना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड के मेजरमेंट्स थे, तो हम उससे सबसे पहले सेमी पैरीमीटर फाइंड करेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो उसका सेमी पैरीमीटर आ गया 132 मीटर। अब अगर ये सेमी पैरीमीटर मिल चुका है तो हमें उसका एरिया भी मिल जाएगा। एरिया की फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अगर हम बात करें आगे की तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 ईयर इज 5000 रुपीज़। अगर 1 ईयर का यानी कि 12 मंथ्स का कॉस्ट कितना है 5000, तो 1 महीने का कॉस्ट कितना हुआ 5000 डिवाइड बाई 12। अब हमारा एरिया था 1320 मीटर स्क्वायर। ओके,
तो ये 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है, 5000 डिवाइड बाई 12, तो 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना, 1320, ये पर मंथ मिलेगा, हमें 3 महीने के लिए चाहिए इसलिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, 4 3 12, 4 3 12, 330, 33 × 5, दैट इज़ 165, दैट इज़ 1650,000 रुपीज़, दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ द टोटल कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देर इज़ अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड अंडर साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द प्लाक क्लीन एंड ग्रीन, इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 50 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखो हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट्स है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइन करेंगे जिसकी फॉर्मूला है s = a + b + c/2, उसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगी सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है हमारी अंडर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो हमारे पास देखो यहाँ से याद रखना a, b और c ऐसे डिनोट होते हैं हमेशा, नीचे की साइड से हमेशा a होता है डिनोट, सो यहाँ पे हो गई वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करना नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो स्पेशली मैं बना दूंगा कि स्क्वायर रूट में से बाहर निकालते वक्त कैसे सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी ए और बी का मेजरमेंट दिया हुआ है, सी का मेजरमेंट नहीं दिया है, पर क्या हुआ दिया हुआ है हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर दैट मीन्स ए प्लस बी। देखो यहाँ पे कि तीनों साइड का एडिशन क्या होना चाहिए, 42, दो साइड का मेजरमेंट पता है तो उसको माइनस करोगे तो थर्ड साइड का मेजरमेंट मिल गया, थर्ड साइड मिल ही चुकी है तो अब अगर मिले क्या गया सेमी पेरीमीटर, दैट इज s = a + b + c/2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। अब दूसरी फॉर्मूला हमारी अंडर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 21√11 cm². ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, इट्स पैरामीटर इज 540 एंड फाइंड इट्स एरिया। देखो कभी भी हमको रेशियो में बात दी हो तो हमें एक्स अपने आप सपोज करना होता है कि कोई एक कॉन्स्टेंट उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 12:7 है तो दैट इज 12x, 17x, and 25x। अब अगर हम देखेंगे सबसे पहले पैरामीटर गिवन है तो तीनों का एडिशन 540 होना चाहिए, तो x की वैल्यू मिल गई 10, अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें a, b और c तीनों साइड का मेजरमेंट मिल जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ x के बदले रिप्लेस करना था। ओके, सो a, b और c का मेजरमेंट है तो अब हमारी फॉर्मूला s = a + b + c/2, दैट इज सेमी पैरामीटर, अगर उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा सेमी पैरामीटर का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इसमें सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है और उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन इज, एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल एज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पैरामीटर गिवन है एंड हर एक इक्वल साइड का मेजरमेंट गिवन है, तो दो इक्वल साइड है, क्यों दो ही इक्वल साइड है, बिकॉज दे हैव गिवन अस द हिंट दैट इज इट इज़ अ आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल है तो कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 है तो दोनों साइड का मेजरमेंट 12 12 है, तो तीसरी साइड का मेजरमेंट बट ऑब्वियस 6 हुआ। ओके, तो तीसरे साइड का मेजरमेंट मिल गया 6। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर की फॉर्मूला s = a + b + c/2, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की हमारी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू रखोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने कई वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2।